व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब लोग। दिस इज़ योर होस्ट ऐश मैन दिवेश, ऐश आप जो मर्जी बोल सकते हो मुझे, ऑल द वे फ्रॉम जलंधर पंजाब में मैं रहता हूँ। आई एम ऑल टाइम नेचुरल एथलीट प्रमोटिंग नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। कब से मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग प्रमोट कर रहा हूँ, मुझे 10 साल हो गए बॉडी बिल्डिंग करते, और आपके लिए लिखे हैं आज एक नई वीडियो। तो शुरू करते हैं कार्ब्स के बारे में। पीपल कम अप विद दिस आइडिया, लोगों का ये आइडिया होता है, ये उनके दिमाग में होती है ये चीज़ कि आज हम कार्ब्स कम खाएंगे क्योंकि हम फैट लॉस फेस में हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट्स कम खाने हैं क्योंकि हम हमारी बॉडी फैट परसेंटेज बहुत हाई है, और हमारे कोच ने हमें बोला है कि डू नॉट ईट कार्ब्स, गो ऑन अ ज़ीरो कार्ब्स डाइट। तो इस चीज़ के बारे में हम एड्रेस करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इस चीज़ को फिक्स कर सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स को जो मिथ्स है कैसे उनसे बच सकते हो। इट्स अ बैड फूड, कार्ब्स आर बैड, आपके लिए अच्छा नहीं है फैट लॉस फेस में। बट मैं उससे पहले आपको क्लियर कर दूँ, इस वीडियो को पूरा देखना और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये भाई नया चैनल है और धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, 10 सब्सक्राइबर्स 15 सब्सक्राइबर्स जितने भी सब्सक्राइबर्स रोज़ आ रहे हैं, आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू गाइज, आई रियली वॉन्ट टू गिव अ बिग हग। बहुत खुश हूँ मैं क्योंकि मुझे जल्दी नहीं है कोई, आई एम नॉट इन अ हरी। मुझे जितने सब्सक्राइबर मिलते हैं एवरी रोज़ मैं बहुत खुश होता हूँ उनसे, और कोई जल्दी नहीं है मुझे, टेक योर टाइम, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब। तो कार्बोहाइड्रेट्स को बैड फूड बताते हैं आपके कोच, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ वेजिटेबल्स पे आ जाओ, ग्रीन वेजिस पे आ जाओ, या आप रोटी छोड़ दो, राइस छोड़ दो, राइस से मोटापा आता है, राइस से फुलावट आती है, और कनक बिल्कुल बंद कर दो, ओट्स नहीं खाने हैं, आप सिर्फ फ्रूट्स और कप ऑफ दाल ये कंज्यूम करो, सिर्फ सैलड्स कंज्यूम करो। देखिए बात ये है कि आप डेफिनेटली शायद पतले हो जाओ, शायद आप, अगर आप फॉर एग्जांपल आपका वेट अगर 100 किलो है, या आप फीमेल हैं आपका वेट 80 किलो है, और शायद आपके कोच ने जो आपको प्लान दिया है जिसमें एक कप दाल है, फिर पोहा है या थोड़ा सा सैलड है, और फिर शाम को फ्रूट है, और रात में सिर्फ ग्रीन टी है, आप डेफिनेटली पतले हो जाओगे, नो डाउट इन दैट, क्योंकि आप बहुत कम कैलोरीज खा रहे हो, मे बी 500 कैलोरीज पर डे। पर उससे होगा क्या, एट द एंड ऑफ द डे आप अपना मसल मास कम कर बैठोगे, आप पतले तो हो जाओगे, आप बिल्कुल स्लिम हो जाओगे नो डाउट, लेकिन आप में वीकनेस आ जाएगी, आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे, लॉन्जेविटी नहीं रहेगी, आप फिर से जब खाना शुरू करोगे फिर से आपका वेट इंक्रीज़ हो जाएगा जब आप कार्ब्स खाना शुरू करते हो, क्योंकि आपने कोच से प्लान लिया होता है 3 to 5 months का, आप उसको फॉलोअप करते हो, और फिर जब आपका प्लान फिनिश हो जाता है आप वापस वही डाइट पे आ जाते हो जो आप रेगुलर बेसिस पे खाते थे, एंड देन योर वेट स्टार्ट्स टू शूट्स अप। फॉर खास करके फीमेल्स में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि जब वो ये चीज़ करती हैं उनकी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म रेव अप नहीं होता है, वो रुक जाता है, शट डाउन हो जाता है मेटाबॉलिज्म, ऐसे करके जैसे आप डाइट कर रहे हो लाइक वेरी लो कार्ब डाइट, यू आर रूइनिंग योर मेटाबॉलिज्म। और फिर क्या होता है, आप जब एकदम से खाना शुरू करते हो आपको भूख भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपको 3 या 5 महीने से इतनी क्रेविंग्स हो रही थी फूड्स की, नाउ यू आर बैक टू योर नॉर्मल रूटीन, आप अपनी नॉर्मल रूटीन पे वापस आ गए हो, और फिर आपने फिर से वो खाना शुरू कर दिया है एंड आपने फिर से वेट पुट ऑन कर लिया है। तो कार्ब्स आपकी एनिमी नहीं है, आपकी एनिमी है आपने मैक्रोस का काउंट करके नहीं खाया, आपके जो कोच ने आपको प्लान दिया उसमें प्रोटीन इंटेक इतना कम कर दिया है कि आपने अपना मसल मास खो दिया है, आप वीक लग रहे हो, पतले तो हो गए हो बट वीक लग रहे हो, आप स्किनी फैट हो गए हो, यू नो। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आए हैं जिनकी बॉडी फैट परसेंटेज उतनी है लेकिन वेट कम हो गया है, आई होप यू गाइज गेट इट, जो मैं कहने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, उनका बॉडी फैट परसेंटेज इज स्टिल सेम, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं है, लेकिन वेट कम हो गया, बॉडी फैट परसेंटेज वहीं पे है, ऑलमोस्ट वहीं पे, अगर उन्होंने 24% पे शुरू किया था बॉडी फैट पे, आज भी वो 18-20% पे ही है, बट आइडियली वो जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो 10 या 12 के अराउंड होनी चाहिए, और मसल मास इंक्रीज होना चाहिए, उनका मसल मास डिक्रीज़ हो जाता है और बॉडी फैट ऑलमोस्ट इज देयर, उनका वेट लेकिन कम हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई, खास करके एक दो ऐप्स हैं जिसकी आप ऐड देखते हो, यूट्यूब चलती है, जब यूट्यूब में आता है
और एक मोटा सा बंदा होता है, फिर उसने शर्ट पहनी होती है और फिर साथ में वो पतला हो जाता है 2 महीने बाद, वो ऐसे करके पतला हुआ है। हिज ओनली गोल इज़ टू गेट पतला, उसका यही गोल था। तो आपको कार्ब्स मंद नहीं करने हैं भाई, कार्ब्स आर योर एनर्जी सोर्स। आप जिम ज्वाइन करें, फीमेल्स खास करके, प्लीज़ गो टू जिम इफ़ यू गेट टाइम, या मेल्स जो ऑफिस गोल्स हैं, आप जिम जाओ। कार्बोहाइड्रेट्स को अराउंड, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, 100 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर डे ज़रूर कंज्यूम करें, एटलीस्ट टू गिव योर सेल्फ एनर्जी। ठीक है, एटलीस्ट 100 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर डे बोल रहा हूँ मैं। एंड देन आपकी बॉडी वेट से डबल आपका प्रोटीन इंटेक करें, एंड उससे कम 20%, 10 से 20% योर फैट इंटेक, गुड फैट इंटेक। कार्बोहाइड्रेट्स को बंद कर दोगे ना अगर आप, तो आपकी बॉडी बहुत डिप्लीट हो जाएगी, बहुत लो हो जाओगे एनर्जी वाइज, काम नहीं कर पाओगे, काम में मन नहीं लगेगा, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होगी, फूड क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होगी, फीमेल्स में खास करके ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं आपको एज अ ब्रदरली एडवाइस दे रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट योर एनिमी, योर एनिमीज इज़ यू आर नॉट मूविंग, अपनी बॉडी को मूव नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ डाइट से फैट लॉस करना चाहते हो, विच इज़ अ बिगेस्ट मिस्टेक। आप जिम ज्वाइन करें, कार्डियो करें, पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करें, लिफ्टिंग पे फोकस करें, उसके बाद कार्डियो करें, जाके कार्डियो मत करें, पहले ट्रेनिंग करें एंड देन गो टू योर कार्डियो आफ्टर दैट, एंड ईट फेल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, थोड़े से राइस, एक चपाती, कार्ब्स खाने हैं छोटे छोटे मील्स में, लेकिन अपने प्रोटीन इनटेक के साथ, यार एग वाइट्स हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर आपके पास अगर आप वेजिटेरियन हैं, घर में पनीर निकाल सकते हो, टोफू है फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए घर के लिए पनीर है, घर का पनीर, ठीक है। फिर सोया चंक्स है फॉर फीमेल्स, एंड देन देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, काउ मिल्क है, ठीक है, टू फिक्स अप योर प्रोटीन इनटेक, वे प्रोटीन्स हैं, एंड खास करके आप कुछ सप्लीमेंट्स और यूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग एनर्जी और योर रिकवरी, आपकी रिकवरी अच्छी नहीं है, तो आप ग्लूटामिन यूज़ कर सकते हो, जैसे ये है मसल ब्लेस की एल ग्लूटामिन, इफ़ यू कैन सी, ये मैं हमेशा यूज़ करता हूँ अपनी नाइट में सोने से पहले और आफ्टर वर्कआउट। एंड मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ, मसल ब्लेज में सेल लाइव जा रही है 19th से शुरू होके, एंड आप प्लीज़ गो टू मसल ब्लेज वेबसाइट एंड वहाँ जाके शॉपिंग करो, गेट योर वे प्रोटीन, योर BCAAs, ग्लूटामिन, जितने भी एसेंशियल्स हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, सीरियल्स हैं, चॉकलेट ओट्स हैं, पीनट बटर्स हैं, तो सारा कुछ आपका ऑलमोस्ट मसल ब्लेज की वेबसाइट पे जाके आ जाएगा। सेल शुरू होने वाली है, मैं नीचे सारी उसकी डिटेल्स डाल रहा हूँ, कौन सी डेट से सेल शुरू होने वाली है, जस्ट गो देयर एंड टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ कि सप्लीमेंट्स की हेल्प लीजिए एंड एक अच्छा कोच हायर कीजिए जिसको एटलीस्ट ये नॉलेज हो कि आपको भूखा नहीं रखना है, आपको भूखा नहीं रखना है, आपको फूड इनटेक देना है, एटलीस्ट फेयर अमाउंट ऑफ फूड, जिससे आप सस्टेनेबल रहो, लॉन्जेविटी रहो। ऐसे में नहीं हो कि यार मैं डाइट तो कर रहा हूँ बट मैं दिल से खुश नहीं हूँ, तो वो डाइटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 3 या 5 महीने बाद आप वापस उसी चीज़ पे आने वाले हो, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। फीमेल्स को खास करके मैं गाइड करना चाह रहा था कि क्योंकि मोस्टली फीमेल्स छोड़ देती हैं खाना पीना फैट लॉस के चक्कर में, मैं अपनी फीमेल क्लाइंट्स को कभी भी ऐसे नहीं करवाता हूँ, मैं उनको फेयर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देता हूँ इन ईच मील, 25 से 30 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, थोड़े से राइस, एक चपाती या डेढ़ चपाती, एंड देन सोने से पहले भी थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन मैं उनको ट्रेनिंग के लिए इंटेंस करने के लिए बोलता हूँ, मैं उनको ये बोलता हूँ एटलीस्ट ट्रेन, मैं क्योंकि उनको एक प्लान देता हूँ, स्ट्रक्चर्ड प्लान, जिसपे उनको वर्कआउट वीडियोस मिलती हैं, वर्कआउट मिलता है, फिर वो देख के वो ट्रेनिंग करती हैं, पहले वो स्ट्रेंथ पे फोकस करती हैं फिर कार्डियो पे। कार्डियो इज़ द सेकंड थिंग, अगर पहले जाके आप कार्डियो कर दोगे, 20-30 मिनट की वॉक कर दोगे, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है ना, तो आपको वो चीज़ का भी ध्यान रखना है। ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही, डो नॉट निगलेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना नहीं, ज़ीरो नहीं करना है, अदरवाइज जो इसका कॉन्सिक्वेंसेस हैं एट द एंड ऑफ द होल पिक्चर, एंड ऑफ द पिक्चर, फिल्म ख़त्म होने तक, बहुत बुरे हैं। आई होप यू गाइज लाइक द कंटेंट, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर देना यार, आई लव व्हेन यू सब्सक्राइब, बहुत अच्छा लगता है। मच लव, डू टेक केयर ऑफ योर मदर, योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर सेल्फ, एंड कीप वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।